रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर। फ्रुक्टोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 इज अ लियो रोटेटरी कीटो हेक्सोज। ग्लूकोज क्या था? हेमो एसिटेट था। ये क्या था? लियो रोटेटरी कीटो हेक्सोज। फ्रुक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज लियोलोज। ड्यू टू इट्स लियो रोटेशन, ये हमें रोटेशन देता है अल्फा अगेन डेक्स्ट्रो 20 = -92.4 डिग्री। ये देगा हमें, देता है हमें रोटेशन, अल्फा देता है अगेन डेक्स्ट्रो 20 = -92.4 डिग्री। बीइंग एन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड फ्रुक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। इन फ्री स्टेट इट एग्जिस्ट अ मिक्सचर ऑफ फ्रुक्टो पारानोज। क्या होता है ये? इन फ्री स्टेट इट शो मिक्सचर ऑफ फ्रुक्टो पारानोज अगेन एंड फ्रुक्टो पारानोज। इन कंबाइंड स्टेट फ्रुक्टोज इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टो फ्यूरानोज। ये क्या फ्री स्टेट? अब कंबाइंड स्टेट में क्या हो जा रही है? ये हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टो फ्यूरानोज। फ्री स्टेट में देख हमें फ्रुक्टो पायरानोज, बट इन कंबाइंड स्टेट ये हमें देता है फ्रुक्टो फ्यूरानोज। अगेन इन कंबाइंड स्टेट फ्रुक्टोज इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टो पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर एज इन सुक्रोज। इसी बेसिस पर हमें क्या देता है? एक रिंग स्ट्रक्चर देता है। द नेम फ्यूरानोज इज गिवन बाय द एनालॉजी विद द फ्यूरॉन। फ्यूरॉन की एनालॉजी के बेसिस पर, फ्यूरॉन भी क्या है? अगेन हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसी बेसिस पर हमें फ्रुक्टोज भी एक कंपाउंड देता है, अगेन अ फाइव मेंबर हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड देता है, वो कहलाता है ये फ्यूरानोज। क्या नोज कहलाएगा वो? फ्यूरानोज। देन देखते हैं ऑफ फ्रुक्टोज एंड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एंड बीटा आइनोमर्स ऑफ फ्रुक्टो फ्यूरानोज। देन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज इज अ हेमी केटल। क्या कहलाएगी स्ट्रक्चर? हेमी केटल कहलाएगा। अगेन देखा था हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर, वो क्या था? ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर था। जब ग्लूकोज का था, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें क्या दिया था? हेमी एसिटल दिया था। बट फ्रुक्टोज क्या देगा हमें? हेमी केटल। ग्लूकोज क्या दिया था हमें? हेमी एसिटल। किस में था? इन ग्लूकोज। अगेन यहाँ पे क्या रहा है? पायरान के बेसिस पर था, बट हियर फ्रुक्टोज क्या देगा? ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूरॉन। अगेन दिस वन इज चेंजेस बाय हेमा केटल, कहलाता है फ्यूरानोज। ये भी देता है हमें रिंग स्ट्रक्चर। देखते हैं इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, उसी बेसिस पर हम ड्रॉ करते हैं रिंग स्ट्रक्चर। सेम होता है, यह हम देते हैं, ये होता है हमारा C H2O, ये होता है कार्बन नंबर 1। अगर कीटोनिक ग्रुप है फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर 2, देन यार HOS ये शो करता है कार्बन नंबर 3, देन नेक्स्ट वन OH ये शो करता है कार्बन नंबर 4, एंड OH ये शो कर रहा है कार्बन नंबर 5, एंड लास्ट वन CH2OH ये शो कर रहा है कार्बन नंबर 6। ये होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। इसी बेसिस हम देखते रहेंगे स्ट्रक्चर, इसी चीज को चेंज करते हैं। इस तरह से लिया था हमने कार्बन नंबर 1 से रिंग फॉर्म किया था, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 सेम वही चीज है। हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। हियर ये होता है हमारा OH, देन हियर CH2OH। कार्बन नंबर 1 क्या था हमारा? CH2OH था कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, देन नेक्स्ट वन H, हियर OH, सब क्या रह गई है? तमाम कार्बन रहेंगे एज इट इज। किससे ज्वाइंट हुआ था कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन से ज्वाइंट हुआ था। ये होता है 5 कार्बन पे ये H किससे फॉर्म करेगा? ये रिंग फॉर्म करेगा। किससे? कार्बन नंबर 1 से रिंग फॉर्म करेगा। इस तरह से ये रिंग फॉर्म होती है कार्बन नंबर 1 पर।
ये लास्ट में बचता है हमारा CH2OH कार्बन नंबर 6। सेम था ये ऑन अल्फा साइड था, अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड था। इस तरह से क्या देगा ये हमें, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर ग्लूकोज था तो वो था डेक्स्ट्रो पॉजिटिव, बट हियर फ्रुक्टोज हमें देगा ये किस साइड में है, ये अल्फा साइड में है, अगेन डेक्स्ट्रो है। अगेन जब फ्रुक्टोज रहता है तो यहाँ हमेशा रहती है निगेटिव साइन, देन दे शो अल्फा डी निगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरानोज। क्या देगा ये, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। अभी स्लाइटली चेंज करेंगे, ये कहाँ जाएगा, ये किस तरफ हो जाएगा, ये सिर्फ इन दो चीज को मूव करेंगे तो कोई डायरेक्शन चला जाएगा, वो बीटा डायरेक्शन चला जाएगा। यहाँ देखते हैं, ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। अगेन कार्बन नंबर 1 को ही हम मूव करते हैं, ये होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस साइड में आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, अगेन हियर CH2OH, ये होता है हमारा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 होता है, अगेन रिमेनिंग कार्बन रहेगा एज इट इज OH, अगेन हियर OH, H, अब कार्बन नंबर 5, ये होता है 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट वन CH2OH कार्बन नंबर 6। कहाँ से कहाँ फॉर्म होता था, ये कार्बन नंबर 1 से कहाँ फॉर्म होता था, 5 पर। तो यहाँ बनती है ये एक रिंग बनती है, इस तरफ से एक रिंग बनती है। अगेन डायरेक्शन कहाँ रहती है, ये अपवर्ड डायरेक्शन रहती है, बीटा साइड में रहती है, देयरफॉर दे शो बीटा, अगेन दे शो बीटा डी, देन निगेटिव फ्रुक्टो फ्यूरानोज। देगा दिस वन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूरॉन। क्या फॉर्म करते हैं, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरानोज, अगेन बीटा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरानोज। अब इसे हम क्या करते हैं, रिंग शेप में बनाते हैं, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। किसका सिमिलर होता है, ये सिमिलर होता है, ये होता है हमारा फ्यूरॉन, फ्यूरॉन के सिमिलर स्ट्रक्चर बनाते, इसलिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे फ्यूरानोज। देखते किस तरह शो करते हैं, ये हियर हमारा ये ऑक्सीजन वहां पर होता है ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन दे फॉर्म दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर लेते हैं हम कार्बन नंबर 1 था, ये था कार्बन नंबर 1, कितना है ये, क्या है ये CH2OH, अगेन ये होता है हमारा कार्बन नंबर 2, अगेन ये क्या है OH, बनता है स्ट्रक्चर OH, देन कार्बन नंबर 2 हो गया, कार्बन नंबर 1 CH2OH, ये क्या था ये कार्बन नंबर 2, अगेन OH से ज्वाइन था। अभी आता है कार्बन नंबर 3, आता है यहाँ पर OH, देन H, यार कार्बन नंबर 4 H, अगेन OH, अगेन यार कार्बन नंबर 5, आता है ये कार्बन नंबर 5 में क्या हो जाता है यहाँ पर CH2 होता है ये CH2OH, कार्बन नंबर 6 यहाँ ज्वाइंट हो जाता है अगेन यार H। ये क्या फॉर्म करता है, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरानोज। अब इस चीज को स्लाइटली मूव कर देंगे, बीटा में किस साइड में था, बीटा साइड में था, तो इसे हम क्या करते हैं, अगेन ऑक्सीजन होता है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टो फ्यूरानोज होता है। सिर्फ इस चीज को चेंज कर रहे हैं कार्बन नंबर 1 को, क्या हो जाता है ये OH जाता है बीटा साइड पर, और यार CH2OH, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, देन 3, 4, 5, सभी 3, 4, 5, 6 एज इट इज रहते हैं, हियर OH, अगेन H, कार्बन नंबर 3, हियर कार्बन नंबर 4, H, OH, देन नेक्स्ट वन H, देन CH2OH, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 होता है। ये सिमिलर लगता है फ्यूरान से, चलो क्या नाम दे दिया गया, ये साइड रहती है अल्फा साइड और ऊपर रहती है साइड बीटा साइड, इसलिए नाम क्या हो जाता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड में, अल्फा साइड, तो नाम क्या जाता है इसका अल्फा, अगेन डी, अगेन फ्रुक्टोज, साइन कौन सी आएगी, निगेटिव साइन, अल्फा डी निगेटिव, सिमिलर किस से है, फ्यूरान से, नाम होता है इसका फ्रुक्टो फ्यूरानोज। अब नेक्स्ट वन स्लाइटली मूव हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड में, बीटा साइड में, तो नाम क्या हो जाएगा इसका बीटा, अगेन डी, फ्रुक्टोज है निगेटिव साइन, क्या नाम हो जाएगा इसका,
फ्रुक्टोफ्यूरामोस। तो क्या हो जाता है ये, दिस टू आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर। ये क्या शो करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर सिमिलर टू फ्यूरम। तो ये पूरा हमें दिखता है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रुक्टोज है। इजी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज बेसिस पर क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, अगेन बीटा अल्फा, देन सिमिलर किसके है, ये सिमिलर होता है हेट्रो कंपाउंड के, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सिमिलर दिखता हमें ये फ्यूरन के, देयरफॉर दिस बेसिस पर इसके नाम चेंज कर दिए गए। क्या नाम हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्यूरन, ऑन द बेसिस दिस सिमिलरिटी, दिस अल्फा डी इज कॉल्ड एज फ्रुक्टो फ्यूरानोज, अगेन दिस वन इज कॉल्ड एज बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज, दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर, और क्वेश्चन पूछता है ड्रॉ अल्फा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरानोज, तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आना चाहिए। अगेन पूछता है बीटा डी, तो सिमिलर सिर्फ किस चीज को ध्यान में रखना है, अल्फा रहेगा तो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा नीचे रहेगा, अल्फा साइड में रहेगा। अगर पूछते हैं बीटा तो हमेशा रहना चाहिए जहन में आपके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ रहेगा, ऑन बीटा साइड, बीटा रहेगा तो ऊपर रहेगा, अगेन अल्फा रहेगा तो क्या रहेगा, ये नीचे रहेगा। तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, अगेन बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। अगर रहता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में कौन सा साइन आएगी, अल्फा डी प्लस आएगी, अगेन बीटा डी प्लस, तो प्लस और माइनस, फ्रुक्टोज में माइनस रहेगी बहुत साइड में, और ग्लूकोज में बहुत साइड में प्लस रहेगी।